Thanks for being happy to have visited Chennai Princess. Navratri Mahotsav 2019 Sri Garba competition mein City Park Society mein hum yahan pe hai aur aarti decoration hum dekhte hai. Sabse pehle hum aarti decoration dekhenge. Aapka naam kya hai? Deepika Sharma. आपने ये क्या बनाया है? ये आरती की थाली है. मैंने वीट फ्लोर में कलर मिक्स करके छोटे छोटे पीसेस से पूरा थाली में ग्रीन और येलो कलर के स्क्वेयर्स लगाए हैं और बीट्स लगाए हैं. ये फ्लोर है और ये जो दिया है वो भी फ्लोर का मेटअप है और ये बाउंड्री इंटीग्रेटिंग फ्लोर का है और इसमें कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हम फेंक सकते. बाद में अगर रखी पेंट नीचे तो गाय खा सकते हैं. तो कलर्स हैं वो भी सूटेबल है. बहुत ही बढ़िया. और उसके बाद मैडम आपका नाम क्या है? सरिता अग्रवाल. सरिता अग्रवाल जी आ रहे हैं, सुन रहे हैं सब. आपने खुद बनाया है क्या ये? मेरे बेटे के साथ बनाया. कितना टाइम लगा आपको ये बनाने में? एक घंटे में इन्होंने इतनी अच्छी थाली बनाई है. बहुत ही बढ़िया. इसके बाद हम चलेंगे और आगे. बहुत सारी आरती डेकोरेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी. बहुत ही अच्छा डेकोरेशन सबने किया हुआ है. बहुत अच्छी मेहनत भी की हुई है, दिख रही है यहाँ पे. सो आपका नाम? नीलम. नीलम जी आपने क्या बनाया? मैंने तो चावल कलर करके डाला है और बहुत ही बढ़िया. इसके बाद थाली भी मैचिंग, चनिया चोली भी मैचिंग. वाह क्या बात है. आपका नाम? रितु मेघानी. रितु मेघानी जी, रितु जी आपने क्या बनाया है? मैंने सीक्वेंस मोती और मोती बॉल डेकोरेशन की अलग एंड उसके ऊपर मैचिंग का कोट. ये आपने खुद किया है जी? कितना टाइम लगा आपको ये करने में? मतलब कलर पेंट किया है. ये आपका शौक है कि आपने सिर्फ इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए? मुझे शौक है और मैं करती हूँ. बहुत ही बढ़िया. इसके बाद बहुत ही बढ़िया माता जी की चौकी बनाई है. नवरात्रि का त्योहार है और माता जी की चौकी बनाई है. आपका नाम क्या है? आयुषी अग्रवाल जी. देख के तो ऐसा लग रहा है कि आपको दो तीन दिन लगे हो शायद ये बनाने में. तो आप हमें बताइए कि कितना टाइम लगा आपको ये सब बनाने में? बस सिर्फ दो तीन घंटे लगे. अरे वाह. तो इसमें आपने क्या क्या यूज किया है वो आप बताइए. मैंने ड्राई फ्रूट से इंस्ट्रूमेंट वाले एंड सिंगर बनाया है इधर है एंड इधर मैच बॉक्स एंड से स्टैंड्स बनाए हैं जिसमें वो भगवद गीता रामायण भी रखी है और फल है, प्रसाद है, पूरी आरती में जो भी चीज़ें हैं फ्लावर्स हैं और ये इसका बेस है ये भी जूट का पूरा बनाया है. मतलब माता जी की चौकी में जो चाहिए वो सब आपने इसमें बनाया है. बहुत ही बढ़िया. कॉन्ग्रेचुलेसन आपको. बहुत बहुत बधाई. बहुत अच्छी मेहनत की है आपने. इसके बाद आगे चलेंगे. आपका नाम क्या है मैम? मयूरा मानी. आपने क्या बनाया? रास खेल रहे हैं सर, गरबा मना. नवरात्रि का त्योहार है तो रास खेल रहे हैं. जैसे आप लोग अभी खेलेंगे उसी तरह आपने आरती की थाली भी सजाई है. बहुत ही बढ़िया. उसके बाद आपका नाम? शांति जी. शांति जी आपने क्या बनाया? चंदन और गोभी मिक्स करके साथिया का बनाया जिसमें चावल में मिक्स है तो जैसे भगवान का प्रतीक होता है साथिया. बहुत ही बढ़िया. इसमें नियम है जो उसने मेरा साथ दिया. जी जो आंटी की थाली बनाई है उसमें जिसने साथ दिया है वो भी आ सकते हैं. उसका नाम भी आप बोल सकते हो, बिंदास बोल सकते हो क्योंकि मेहनत की है साथ में तो जरूर आपको भी उसका श्रेय मिलना चाहिए. सही ना? बहुत बढ़िया. आपका नाम? ज्योति तापड़िया जी. आपने क्या बनाया? मैंने नवरात्रि थीम पे अपनी थाली डेकोरेट जी. आपको कितना टाइम लगा इसमें बनाने में और आपने क्या यूज किया है? मैंने इसमें आटा यूज किया है, सुपारी है, चावल है, बाकी पूजा का सामान है और नवरात्रि थीम पे पूरा गरबा खेलते हुए
बहुत ही बढ़िया, ये सब रेडीमेड है कि आपने खुद बनाया है? जी बहुत ही बढ़िया जी। आपका नाम? हिमांशी तापड़िया। आपने क्या बनाया है और इसमें क्या यूज किया है? मैंने गणेश जी और माता जी बनाया है, जैसे हर फंक्शन में हम पहले गणेश जी को पूछते हैं उस हिसाब से, और ये सब कुछ मैंने बीच से ही बनाया है, और सब हैंडमेड, इसमें कुछ यूज तो है नहीं बाहर की चीज़ें, और जो कलर भी यूज़ किया है वो फूड डिटेबल आइटम्स है। जो आपने दिए रखे हैं वो भी खुद बनाए हैं? हाँ, खुद ही बनाया है। बहुत ही बढ़िया। उसके बाद आपका नाम है? यशोदा बत्रा। आपने क्या बनाया है? मैंने थाली बनाई है जिसमें मैंने बीट यूज किया है और आटा यूज किया है और दाल यूज की है और मैचस्टिक्स यूज किए और जूट यूज किया है जी, और उसकी से ही सब कुछ रेडी किया है जी। इसको ये बनाने में आपको कितना टाइम लगा, क्योंकि जिस तरह से मैं देख रही हूँ इसमें सारे टाइम लगा होगा? 3 to 4 hours जी। थैंक यू सो मच। इसके बाद अब हम आरती डेकोरेशन में लास्ट जो आरती डेकोरेशन किया है उससे हम मिलेंगे। आपका नाम? हेम प्रभा कोठारे जी। आपने क्या बनाया है वो बताइए। मैंने नवरात्रि थीम में बनाई है, एक गरबा करती हुई लड़की, और उसमें सारी पूजा सामग्री डाली, कपूर बाती, रोटी, चावल, कुंकू और ये होली प्रसाद, अगरबत्ती और चावल, साबूदाना, मूंग दाल, उन सब से डेकोरेट किया, जो घर पे चीज़ें अवेलेबल थी उसी से, और ये स्टोन वर्क भी मैंने खुद में स्टिक किया है जी। बहुत ही बढ़िया, मतलब रेडीमेड कुछ नहीं है, सब खुद बना के लगाया है। बहुत ही बढ़िया, आपसे मेहनत की हुई है, बहुत ही बढ़िया, आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन। मिलेंगे मटकी डेकोरेशन के साथ। सिटी पार्क सोसाइटी में अभी हम देखेंगे मटकी डेकोरेशन। सो मटकी डेकोरेशन में पहले मैं पूछना चाहूंगी आपका नाम? जी मेरा नाम दीपिका सुराना है जी। आपने ये मटकी खुद बनाई है, क्या कैसे डेकोरेशन किया है वो बताइए। जी ये डेकोरेशन मैंने पहले इसको रेड कलर से पेंट करके या ग्लिटर उस पर स्प्रेड कर दिया है, फिर बीट्स यूज किए, और इसमें भी मैंने फ्लोर 3 रंग के लेके उसको मिक्स करके उसको बाउंड्री किया है, नीचे भी उसको बेस फ्लोर कर दिया है, और अंदर मैंने गर्भों को प्रज्वलित कर दिया है, वो दिया भी हैंडमेड है, दिया इसके अंदर आपने रखा हुआ है वो भी दिखा दीजिए। अच्छा पूछ गया मैं। नो प्रॉब्लम, चलिए ओके। बहुत ही बढ़िया, आप क्या करती हैं? जी मैं हाउसवाइफ। तो ये आपको शौक है बनाने का कि ऐसे? जी ये मुझे बेहद शौक है और बेहद प्रिय काम है। बहुत ही बढ़िया हाउसवाइफ, ओके, इतना अच्छा डेकोरेशन करती है, बहुत ही बढ़िया, थैंक यू सो मच। आपका नाम? आयुषी। जी आयुषी जी, आपने क्या बनाया है और कैसे मटकी डेकोरेशन किया है? मैंने मटकी पे गोटा फास से डेकोरेशन किया है, और इधर गरबा खेलते हुए 2 कपल्स को दिखाया है, इधर मेल और फीमेल हैं और इनके इधर पार्टनर्स हैं, और बीच में LED लाइट का दिया है, बस वो दिया बार बार खुशने का रहता है, अब से साथ में टेक्नोलॉजी का ज़माना है तो थोड़ा सा मिक्स एंड मैच फ्यूजन। तो इसको मतलब आपने डिजिटलाइज बना दिया कि दिया बुझना चाहिए, इसके लिए आपने ये यूज़ किया है, बहुत ही अच्छा, थैंक यू सो मच। हाँ इनको करना चाहें वो कर सकते हैं, दिया बुझे ना नहीं, इनको अंधेरा नहीं होएगा, लाइट चलती रहेगी, जितनी देर तक करना है कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया। आपका नाम? जी आपने कैसे डेकोरेशन किया है? क्राफ्ट का सामान यूज़ किया है, इसमें मैंने गणेश जी और सब लगाए हुए हैं और अंदर सैंडल फिट कर दिए हैं, जिसमें बहुत हवा चल रही है। आपका नाम? जी मैं आपको याद रखूँगी। आपने कैसे डेकोरेशन किया? जी मैंने मटकी का कलर किया है, बीट्स, बेल, मिरर, बहुत ही अच्छा डेकोरेशन की है आपने, थैंक यू। आपका नाम?
किया मगर आपने कैसे किया है मटकी का डेकोरेशन? मटकी में कलर करके किए किया है। बहुत बढ़िया। इसके बाद तुम्हारा नाम? जी संगीता जी, आपने क्या किया है मटकी डेकोरेशन? आपको कितना टेंशन लगा ही होगा? नहीं, Exiting Webinar Digital Channel Presents Navratri Utsav 2019 Seri Garba Competition में City Park में अभी हम करेंगे Raas Ransak Competition। लेकिन उससे पहले मैं आपको बुलवाना चाहूँगी हमारे जो स्पॉन्सर हैं मक्कन भोग, जो गिफ्ट पार्टनर हैं उनके गौतम जी यहाँ पर उपस्थित हैं, गौतम राठी जी। गौतम जी आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल परिवार की ओर से, और इनका स्वागत करेंगे मनोज सुब्रिया जी जो मेरे हस्बैंड हैं और इस चैनल के सीईओ हैं, जो स्वागत करेंगे उनका, ताली से उनका स्वागत हम करेंगे। और आपसे दो शब्द हम सुनना ही चाहेंगे क्योंकि आप यहाँ पे आए हैं, बार बार ऐसा हो रहा है हमें लगा ही नहीं आपको सुनने का, तो दो शब्द हमारे चैनल के लिए भी वही बोलिए। और यहाँ पे ऐसे शेरी गरबा जो कॉम्पिटिशन कर रहे हैं हम लोग, ये 23rd ईयर है हमारा, 23 साल से हम लोग शेरी गरबा कॉम्पिटिशन कर रहे हैं पूरे सूरत शहर में, आफ्टरनून में हमारे स्कूल में रहते हैं। सो ऐसे पूरे जो नवरात्रि का ड्यूरेशन है उसमें 30 से ऊपर ये पूरी इवेंट्स रहती है, तो बहुत ही लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। सो हमें बहुत ही अच्छा लगता है कि ऐसे सेरी में भी पार्टिसिपेट करें क्योंकि अपने बच्चों को आजकल का जो लाइफ स्टाइल है, जनरेशन है, अपनी सोसाइटी में ही गरबा करें तो अपने पेरेंट्स को टेंशन नहीं रहता है। तो इसी की वजह से हम लोगों ने ये जो प्राचीन अर्वाचीन गरबा की जो संस्कृति है उसको बनाए रखने के लिए हमने ये प्रयास किया है और 23rd ईयर से हम लोग ये करते चले आ रहे हैं। मैं एक्टिविटी वेबिनार की डायरेक्टर यामिनी सुप्रिया, मेरा भी मैं परिचय करवा देती हूँ। साथ में मेरी जो टीम है उनका परिचय मैंने करवाया ही है, लेकिन फिर भी टीना ठक्कर जी जो है वो भी हमारे स्पॉन्सर है, साथ में संगीता जी, चांडक जी जो है हमारे प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव वेबिनार। उसके बाद जो रोशनी जी आई हुई है वो एक एक्टर है, ऐसे मुझे बुलाया ही था आज। और जो हमारे जूरी पैनल है वह कहाँ है जी? जूरी पैनल में हमारे साथ है अवनी जी, दर्वेश तुमसिया जी, जयेश वाड़िया जी, ये सब हमारी आज की जूरी पैनल है। हमारी जूरी पैनल की टीम भी 30 लोगों की है क्योंकि पूरे इतने दिनों तक सब जगह पर जाना, इतना सब मैनेज करना अपना बहुत मुश्किल होता है, फिर भी हम लोग करते हैं ऐसे ही। तो आपसे हम दो सब सुनना चाहेंगे। ये एक्सोटिक मीडिया डिजिटल चैनल, इनको मैं बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ कि इन्होंने ये पहल की शेरी गरबा की। और मैं ज़्यादा समय न लेते हुए आपसे यही कहता हूँ कि इस प्रोग्राम का आगे बढ़े और एंजॉय करें। थैंक यू वेरी मच। बहुत ही बढ़िया। और एक बात बताना चाहूँगी, एक्सोटिक वेब मीडिया डिजिटल चैनल को भी एक ही साल हुआ है और सोशल मीडिया गुजरात की डिजिटल चैनल फर्स्ट है और 25 लाख ऊपर इसके व्यूवर्स हैं। मतलब ये जो भी कंपटीशन यहाँ पे हो रहा है, जहाँ पे भी हो रहा है पूरे सूरत में, सो सब यूट्यूब चैनल पे और फेसबुक पे और वेबसाइट पे आपको देखने को मिलेगा। तो उसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, वो मत भूलिएगा, ठीक है? और फिर हम स्टार्ट करेंगे रास रंजक कॉम्पिटिशन। Oh, my God.
Thank you.
सेरी गरबा कॉम्पिटिशन में फिर से आपका स्वागत करती हूँ सिटी पार्क सोसाइटी पटार रोड। तो सभी कॉम्पिटिशन यहाँ पे फिनिश हो चुकी है और अभी हम करेंगे प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन उससे पहले फिर से मैं आप सभी को परिचय कराना चाहूँगी आज की हमारी जो ज्यूरी मेंबर है। मेरे पास जो बाजू में है वो है जयेश भाई वाड़िया। जयेश भाई के लिए जो ताली हो जाए। और मेरे पास दूसरी साइड पे है वो है धर्मेश भाई डुमशिया, उनके लिए भी ताली हो जाए। और मेरे जो बाजू में है वो अवनिद्रा जी दीक्षित, वो DRT कॉलेज की प्रिंसिपल है और भरतनाट्यम विशारद है और बहुत जगह पे ऐसे जूरी हो जाती है। ऐसी हमने आज जूरी मेंबर यहाँ पे बुलाई है। तो आप सभी का फिर से स्वागत एवं धन्यवाद। बहुत ही अच्छा जजिंग करने के लिए, वो तो बाद में पता चलेगा आपने कैसा जजिंग किया है। लेकिन हमारे जो स्पॉन्सर हैं उनका हम कैसे बोल सकते हैं। हमारे जो गिफ्ट पार्टनर है डी कुशाल भाई ज्वेलर्स की ओर से आप सभी को प्राइस मिलेगा जो भी विनर रहेगा उनको। और मक्खन बॉक की तरफ से जो फर्स्ट विनर रहेगा गरबा डोरिया और मक्खन बॉक की ओर से गरबा और डोरिया में प्राइस मिलेगा फर्स्ट प्राइस। और बाकी सबको जो है वो डी कुशाल भाई ज्वेलर्स की ओर से प्राइस मिलेगा। और हमारे साथ जो इस कार्यक्रम की स्पॉन्सर है वो है डॉक्टर दीप्ति पटेल एंड डॉक्टर दीपक पटेल जो लव एंड केयर हॉस्पिटल चलाते हैं। उन्होंने हमें बहुत ही अच्छा सपोर्ट किया है इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। साथ में सिद्धांत लाइन प्राइवेट लिमिटेड जो है शुद्ध पीने का चूना है, इससे 70 से ऊपर अपनी हेल्थ प्रॉब्लम जो रहती है, ज़्यादातर लेडीज़ों को कैल्शियम की प्रॉब्लम रहती है, तो उसके लिए ये जो ड्रॉप है वो बहुत ही अच्छा है, जैसे पीने का चूना उसको बोलते हैं। उसको आपको लिटरेचर दिया गया है, वो आप पढ़ लीजिएगा और चाहिए तो मंगवा लीजिएगा, बहुत ही अच्छा है। आफ्टर 40 सभी लेडीज़ को कैल्शियम B12 आयरन सबकी ज़रूरत होती है, तो इससे आपको मिलेगा, अलग से आपको टैबलेट नहीं लेनी पड़ेगी। और साथ में हमारे साथ जो है प्योर स्किल्स जो हमारे को स्पॉन्सर है उनके भी आपको वाउचर दिए गए हैं, उनको वहाँ पे डिस्काउंट मिलेगा। और साथ में एजुकेशन मतलब जो भी बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा कोर्सेज वगैरह है। जो आप बैंक में वगैरह जॉब करना चाहते हो तो उसकी जो एग्ज़ाम वगैरह रहती है सो ये इंस्टीट्यूट में आपको करने को मिलेगा। जो ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो और जिसको चूना चाहिए पीने का वो संगीता जी का कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और हमारे साथ संगीता जी जो है उनकी वजह से आज हम यहाँ पे आए हैं, आप तक हम पहुँचे हैं संगीता जी के थ्रू। वो हमारे एग्जीक्यूटिव वेब मीडिया की वैसे अभी उन्होंने ज्वाइन किया है एग्जीक्यूटिव वेब मीडिया और प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव की उनकी पोस्ट है और बहुत ही अच्छा मतलब हमारे साथ चैनल में वो जुड़ी है, तो उसके लिए भी मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगी। और साथ में टीना टक्कर जी, वो हमारे प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर है। ये पूरे प्रोग्राम की जो पूरे एक महीने तक मतलब हमारी नवरात्रि चलती है तो पूरा कोऑर्डिनेशन उनके साथ होता है सबका, तो टीना जी आपका भी धन्यवाद। साथ में मनोज जी का धन्यवाद तो मैं घर जाके करूँगी वो तो हमेशा मेरे साथ ही रहते हैं, कि उनका धन्यवाद मैं घर जाके करूँगी। मेरे हस्बैंड हैं और इस चैनल के वो CEO हैं। मैं चैनल की डायरेक्टर हूँ, एंकर नहीं हूँ बट चैनल की डायरेक्टर हूँ। पर ये मेरा शौक है, मैं 23 साल से ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करती हूँ पूरे सूरत में। YouTube पे आपको देखने को मिलेंगे 1998 से मैंने स्टार्ट किया था, शुरुआत मैंने वहाँ से की थी और अभी तक ये मैंने चलता हुआ रखा है। तो आगे के मेरे बहुत सारे ऐसे सेरी गरबा कॉम्पिटिशन आपको YouTube चैनल पे एग्जोटिक वेब मीडिया डिजिटल चैनल सर्च के लिए कीजिएगा, उस पर आपको देखने को मिलेगा। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन पे क्लिक करिए ताकि आपको सूरत शहर की नहीं पूरे वर्ल्ड की क्या हिलचाल है, क्या इंफॉर्मेशन है, क्या न्यूज़ है, यहाँ पे क्या इवेंट चल रही है, वो सब आपको देखने को उसमें मिलेगा।
और फेसबुक पेज पे हमेशा हमारे लाइव शो रहते हैं, मतलब लाइव ही प्रोग्राम करते हैं, कोई भी शो हो हमारा तो वो भी आप लाइक कर दीजिएगा, और अच्छा लगे आपको तो उस पर रेटिंग दे दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए, हमें अच्छा लगेगा आपका, हमें थोड़ा सा हमें भी प्रोत्साहित करने के लिए आपका आशीर्वाद चाहिए तो वो ज़रूर से दे दीजिएगा। थैंक यू सो मच। तो अभी हम प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन शुरू करते हैं, साथ में रोशनी जी है लेकिन उनका परिचय मैं बाद में कराऊंगी, वो एक्टर है लेकिन बाकी का परिचय बाद में, थोड़ा सा प्राइस सबको मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा थोड़ा। सबसे पहले हम गरबा जो राउंड था उसमें एक्शन में हम जिन्होंने जिनको प्राइस मिल रहा है, फर्स्ट प्राइस मायूरा मालू, जो आ रहे हैं वो है
कौन हो सकता है? अरे वाह क्या बात है, आज भर लिया ऐसे ही। सरला जी आ जाएंगे।